नववर्ष 2022 के लिए मैं सब पूरे भागलपुर के सभी भाई बहनों को, बिहार के सभी भाई बहनों को, देशवासियों को दिल की गहराई से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि नववर्ष में आपकी जो मनोकामना हो वो भगवान से प्रार्थना करो पूर्ण हो और देश फिर से विकास की ओर अग्रसित हो। हेलो मिड्स हॉस्पिटल की तरफ से मैं सारे देशवासियों को फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूंगी। उसके अलावा इस ईयर सतर्क रहें कोविड से, जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है, वैक्सीन नहीं ली है, मैं गुजारिश करूंगी कि आप लोग वैक्सीन ले लें। और जिस तरीके से ओमिक्रॉन फैल रहा है तो कृपया सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जन अधिकार पार्टी की ओर से मैं समस्त देशवासियों को नए साल का ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और यही कामना करता हूं कि आने वाला नव वर्ष जो है वो सभी के जीवन में मंगलमय हो, लोग ऊंचे ऊंचाइयों को चढ़े, यही कामना करता हूं। मैं अपने वार्ड के देवमयी जनता को प्रणाम भी करता हूं और भागलपुर की जनता को प्रणाम करता हूं। मैं अपील करता हूं नव वर्ष अच्छे से मनाए, नव वर्ष उनके जीवन में खुशहाली लाए और लोगों से मैं एक अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम शराब का सेवन छोड़ दें, शराब की कुरूति छोड़ दें। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये आदेश है, निर्देश है और मैं भी अनुरोध करता हूँ कि शराब जैसी बुराई को त्यागें और हंसी खुशी परिवार के साथ नव वर्ष मनाएं। आप सभी कहलवा विधानसभा क्षेत्र वासियों को नव वर्ष 2022 गणतंत्र दिवस एवं मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही कोरोना वायरस का तीसरा लहर ओमिक्रॉन वायरियंट चल रहा है, सरकार के निर्देशों का पालन करें। मैं मोहम्मद शारिक खान, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी भागलपुर अल्पसंख्यक विभाग। नव वर्ष की शुभकामनाएं हम अपने शहर वासियों और देशवासियों को और हम अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं। ये दौर जो है रियलिस्टिक अप्रोच का है। चूंकि हम लोग पिछले 2 साल से कोरोना जैसी एक ऐसी मुसीबत को झेल रहे थे तो अब हमें थोड़ा रिलीफ मिला है, तो अब हमें फिर दोबारा ये संदेश मैं दे रहा हूँ कि फिर से थोड़ा सा संयम बरत करके हम लोग रियलिस्टिक वे में अगर बढ़ेंगे तो शायद हम लोग अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो जो जिस तरह के सीन पिछली बार आए हैं, कहीं ऐसा न हो कि फिर हम अपनी नाअहली या हम अपने आपको गलत फहमी में रह करके फिर उसी तरह के दुविधा में पड़ जाए। नव वर्ष के अवसर पे सबसे पहले मेरी तरफ से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और मेरे गार्जियनों से, बच्चे के अभिभावकों से ये अपील है कि आप अपने बच्चों को ठंड से बचा के रखें और बच्चों के सेहत का ख्याल रखें। और इसके साथ ही मेरी तरफ से सभी देशवासियों को एक बार फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शाहिद रजवी, सदर उर्दू राबता कमेटी और एसोसिएट प्रोफेसर मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर, तमाम रेशमी शहर के तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आने वाले नए साल में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ, क्योंकि मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ और उर्दू तमाम लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है और उर्दू एक ऐसी जबान है जो तमाम धाराओं को एक साथ लेकर अपने अंदर में पिरोन कर आगे बढ़ना चाहती है और यही हमारा भी मकसद है कि उर्दू की तरह एक धागे में तमाम लोग, शहर के और देश के और रियासत के लोग एक धागे में पिरोए रहें और यही हमारी कामना भी है और यही हमारे तमाम लोगों को शुभकामना है। नव वर्ष के अवसर पर मैं कल्पना ओरोडेंटल केयर की तरफ से सभी अंग प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहें और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। साथ ही नव वर्ष के जश्न मनाने के चक्कर में कोविड प्रोटोकॉल को ना भूलें, क्योंकि कोविड से बचाव भी बहुत ही जरूरी है। मैं भागलपुर समेत देशवासियों को नव वर्ष 2022 के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले वर्ष में मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना वापस आ रहा है और जिस तरह से हम लोग त्राहिमाम हुए थे अब वैसा हम लोग नहीं होने देंगे। इस शपथ के साथ नव वर्ष में आप प्रवेश करें और सड़क दुर्घटना से बचें, आकाशवाद मौत से बचें, यातायात के नियमों का पालन करें।
भागलपुर के निवासी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और साथ ही साथ मैं ये कामना करती हूं कि आप लोगों का नया साल खुशी और मुसर्रत से भरा रहे। पिछले दिनों कोरोना के कारण हम लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये परेशानी तभी दूर हो सकती है जब हम लोग सतर्क रहें और सतर्क रहते हुए अपनी जिंदगी जिए, तभी हमारा आने वाला नया साल मंगलमय हो सकता है। मैं मोहम्मद आजम खान उप सरपंच इमामपुर पंचायत की ओर से समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं देशवासियों से ये अपील करता हूं कि कोरोना को गाइडलाइन का पालन करना है और हमें इसका अभी जो आने वाला खतरा है उससे हमको निपटारा करना है। नया वर्ष आ रहा है और हम लोग इस वर्ष इस कोविड से काफी परेशान रहे हैं। नया वेरिएंट कोविड-19 का ओमिक्रॉन वर्सन आ गया है। मैं अपने भागलपुर वासियों को साथ ही साथ बिहार के वासियों को नए वर्ष की शुभकामना देते हुए यह भी संदेश देना चाहता हूं कि इस ओमिक्रॉन से बचने का उपाय करें। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। वैक्सीन जरूर लें क्योंकि यही वैक्सीन है जो हमें ओमिक्रॉन से बचाएगा। नया साल हमारे लिए शुभ हो और इस कोविड के खतरे से हम लोग निकल जाएं, इसकी शुभकामना के साथ। भूमि कंस्ट्रक्शन की ओर से सभी देशवासियों को सबसे पहले नए साल की बहुत ढेरों बधाइयां और साथ साथ सबको हमारा रहेगा कि जितने सुरक्षित रह सकें सुरक्षित रहिए और आपके घर के सपने के लिए भूमि कंस्ट्रक्शन काम कर रही है और नए नए प्रोजेक्ट्स ला रही हैं, अच्छे अच्छे जमीन को खोजा जा रहा है, सजाया जा रहा है। सबसे यही प्रार्थना है, सभी सुखी रहिए, सेफ रहिए और हंसते खेलते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, मैं मोहम्मद अजहर प्रिंसिपल टाइनी टॉट्स स्कूल विद्यालय परिवार की ओर से अपने तमाम शहरवासियों को आगामी नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और ये मंगल कामना करता हूँ कि हम सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और कोविड के नियमों का पालन भी करते रहें। और जिन्होंने अपने आप को अब तक पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं किया है वो वैक्सीनेट करके सरकार को सहयोग करें और हम सबको सुरक्षित रखें, जिससे 2022 हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ रूप में उसका आनंद ले सकें। इसी के साथ हम आपके साथ धन्यवाद। मैं अंकित नेवेटिया लैक्मे सलून भागलपुर की तरफ से आप सभी भागलपुर वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बढ़ते कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित। मैं डॉक्टर कन्हैया गुप्ता पटेल ट्रॉमा सेंटर की तरफ से आप तमाम शहरवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही अपील करता हूं कि नववर्ष को हंसी खुशी मनाएं और ओमिक्रॉन जो नए कोरोना का नया वेरिएंट है उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें और अपना और अपने परिवार को सुरक्षित। मैं कौशल किशोर सिन्हा प्रोपराइटर मान्यवर बैंक्वेट हॉल भागलपुर चिल्कामाझी चौक शहरवासियों को, शहर के आसपास लोगों को, जितने भी जाने वाले लोग हैं हमारे सबको बीते हुए जो साल हम लोग छोड़ रहे हैं उसको अलविदा और नए साल में नए उमंग के साथ हम लोग फिर अपने काम में जुड़ेंगे। आशा करते हैं शहरवासी सब स्वस्थ रहेंगे और कोविड का जो फिर से हम लोग सुन रहे हैं इससे हम लोग खुद भी बचेंगे और लोगों को भी बचाएंगे। हाय नमस्कार मेरे भागलपुर के वासियों, मेरा नाम सौरभ श्री निवास हुआ और मेरे संस्थान का नाम जोहोल नीड्स है और मैं सबसे पहले मैं अपने शहरवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये अपील कर रहा हूं कि नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है अपने आप को बचाना है और कोविड-19 के नियमों का पालन करना है। नमस्ते,
मैं श्री मानसूर भागलपुर मंडाला मार्केट का अध्यक्ष आप सभी शहरवासियों को नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहे, कोविड के नियमों का पालन करें, कोविड के नए अनुकरण वेरिएंट को देखते हुए त्यौहार मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत। मैं अजय कुमार राय, मुखिया खिरीबान पंचायत सह मुखिया संघ अध्यक्ष जगदीशपुर की ओर से पंचायत वासियों और समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं मोहम्मद मरगूब, मुखिया सनौली पंचायत की ओर से पंचायत की समस्त जनता और देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं हीरा यादव, छठ घाट पूजा समिति अध्यक्ष सह समाज सेवी जगदीशपुर की ओर से प्रखंड के समस्त जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पंकज यादव, समाज सेवी भवानीपुर देशरी पंचायत जगदीशपुर की ओर से समस्त प्रखंड वासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।